ब्लड की कमी के चलते मध्य प्रदेश में किसी भी व्यक्ति की मौत न हो, इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक के लिए ब्लड कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन वैन प्रदान की जा रही है। ऐसे ही दो ब्लड कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन वैन को स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही दो एम्बुलेंस और वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए रेफ्रिजरेशन वैन को भी स्वास्थ्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि सभी के सहयोग से ज्यादा रक्तदान शिविर लगाए जाएं, ताकि रक्त की कमी ग्रामीण स्तर पर भी ना हो। साथ ही चौधरी ने बताया कि समाज सेवी संस्थाओं की मदद से रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही लगातार बढ़ते कोरोना के प्रभाव पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह सही बात है कि पिछले 8 दिनों से कोरोना के प्रकरण तेजी से बढ़ रहे हैं। हम जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक कर कोरोना की समीक्षा कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी माता बहनों, सभी महिलाएं, बुजुर्ग सबको मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हम लोगों ने जो ब्लड कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन वैन देना शुभारंभ किया है और आज 24 जिलों के लिए हम लोगों ने शुरुआत की है, जिसकी सांकेतिक शुरुआत यहाँ भोपाल से हमने की है। इसके बाद बाकी और 45 जिलों के लिए अभी टेंडर हो चुके हैं, बाकी बचे प्रत्येक जिले की जो हमारी ब्लड बैंक है उसके लिए हम ये वैन उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि जो लोग स्वेच्छा से रक्तदान करना चाहते हैं और उसको लाने में ले आने में ग्रामीण अंचल में दिक्कत होती थी, तो ये वैन वहाँ खुद पहुँच जाएगी और कैंप जो ऑर्गेनाइज करेंगे वहाँ से ब्लड कलेक्ट करेंगे।